इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और बाबा मस्तनाथ की इस परंपरा को नाथ संप्रदाय के मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने वाले श्री महंत बालकनाथ जी योगी दुनिया के अंदर योग और आयुर्वेद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव जी, आदि चुनचुनगिरी मठ कर्नाटक से यहां पर पधारे स्वामी निर्मलानंद नाथ जी, त्रिदंडी स्वामी चिन्ना श्री मन नारायण हैदराबाद से यहां पर पधारे रामानुज परंपरा के हमारे स्वामी जी महाराज, गीता के उपदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध वृंदावन धाम से यहां पर पधारे पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हरिद्वार से पधारे पूज्य स्वामी श्री हरि चेतनानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी श्री ब्रह्मदेव जी महाराज, चिन्मय मिशन और गायत्री की इस परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने वाले गायत्री परंपरा की शक्तिपीठ की परंपरा को जन जन तक ले जाने वाले डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, हमारे नाथ संप्रदाय के ही प्रतिष्ठित संत श्री महंत नरहरिनाथ नाथ जी महाराज, श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, हमारे सभी योगेश्वरगण खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, सम्मान्य श्री रामलाल जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आज हम सबका सौभाग्य है कि सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी के इस भव्य समाधि मंदिर में कलश स्थापना के इस भव्य आयोजन के साथ ही इस परंपरा को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज की भव्य प्रतिमा की स्थापना, समाधि मंदिर की स्थापना के साथ ही भंडारे के इस आयोजन में देश के अलग अलग क्षेत्रों से खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन संतों के इस जमावड़े को एक मंच पर लाने के लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजक और इस परंपरा को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले श्री महंत बालकनाथ योगी जी को हृदय से साधुवाद देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि नाथ संप्रदाय भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक वाहक है। सनातन धर्म एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, इस बोध वाक्य का सत्य है और उसके जो अलग अलग मार्ग हैं उस सत्य तक पहुंचने के लिए
हमारे पंत हैं, उपासना विधियां हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, ये जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं, उसी सत्य की पुनर्स्थापना के लिए, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है, और वह मंजिल है सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के कार्य को एकजुट होकर के पूरी मजबूती के साथ स्थापित करना, और उस सत्य के ही प्रमुख वाहक के रूप में सरदेव सरसंग चालक जी हम सब के पास हैं, साथ में हैं, जो इन सब में समन्वय के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी समन्वय की एक महत्वपूर्ण धारा है जो आज पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य भी है, कौतूहल भी है, और उनके लिए एक दिशा भी है। वह दिशा है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम। जिन्हें यह विश्वास था वे प्लान करते थे, वे भागते थे, भूल करके भी श्री राम जन्मभूमि का नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर विश्वास था, यह तो धर्मस्ततो जय के इस सनातन वाक्य पर विश्वास था, वे लोग इस बात को मानते थे कर्म करना हमारा कार्य है, इसके परिणाम तो विधाता हमें देंगे ही देंगे, इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो लोगों के लिए असंभव था, आज भारत ने उसे संभव बना दिया है। और सनातन धर्म, याद रखना, पूरी दुनिया के अंदर वर्तमान में संघर्ष चल रहा है, कोई अफगानिस्तान से भाग रहा है, कोई यूक्रेन से भाग रहा है, कोई गांजा पट्टी से भी भाग रहा होगा, लेकिन दुनिया के अंदर अगर वास्तव में विश्व शांति की कोई गारंटी हो सकता है, तो विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। यही कारण है जब आज दुनिया के अंदर संकट आ रहा है, तो संकट के समय हर देश, हर धर्मावलंबी, दुनिया का हर पीड़ित मानव भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है, उसे विश्वास है भारत ही फिर से उसके लिए आस बनेगा, भारत ही फिर से एक विश्वास बनेगा। और भारत की इस आस और विश्वास के साथ जब भारत की 140 करोड़ की आबादी जुड़ती है, तो यह दुनिया की एक ताकत बनती है, दुनिया की एक ताकत। उस ताकत के साथ हम सबको जुड़ना होगा। आज का यह समारोह उसी अभियान को मजबूती प्रदान करने का एक अभियान है। यह साधना भूमि है, नाथ संप्रदाय के सिद्धों संतों की पवित्र साधना स्थली है, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की पवित्र समाधि स्थली है, पूज्य बाबा महंत चांदनाथ जी महाराज ने जो संकल्प लिया था, और मुझे याद है उस संकल्प के दौरान जब यहां पर समाधि मंदिर की भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज के सानिध्य में, तब योग गुरु स्वामी रामदेव जी भी उस समारोह में थे, और उस समारोह के दौरान उनका संकल्प छलकता था, लेकिन यह भी उनको एहसास था कि हो सकता है कि समाधि मंदिर बनते बनते वे भौतिक रूप से नहीं रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक और सूक्ष्म दृष्टि से वे इसका अवलोकन करेंगे। आज पूज्य बाबा महंत चांदनाथ जी महाराज के उन संकल्पों को जिस मजबूती के साथ समाधि मंदिर की स्थापना और कलश स्थापना के कार्यक्रम के साथ
अब परकोटा के निर्माण की कार्रवाई को श्री महंत बालकनाथ जी योगी ने जिस तत्परता और मजबूती के साथ, जिस दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है वह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है और वह एक नया संदेश भी देता है। भाइयों बहनों, भारत की संत शक्ति ये कभी पलायन का रास्ता नहीं अपनाती है, चुनौतियों से जूझने का जज्बा रखती है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर, क्योंकि उसका उद्देश्य तो एक ही है, लोक कल्याण, और लोक कल्याण के माध्यम से सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करते हुए राष्ट्र कल्याण के मार्ग का अनुसरण करना। राष्ट्र के हित में जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है। सनातन धर्म के हित के लिए जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है, बाकी हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। और उसी अभियान को लेकर के यह मठ निरंतर चल रहा है, सदियों से उस परंपरा का वाहक बना हुआ है। पूज्य महंत श्रेयोनाथ जी महाराज रहे हो, पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज रहे हो, आज चाहे महंत योगी बालकनाथ जी महाराज हो, या नाथ संप्रदाय के जुड़े हुए या खड़ दर्शन से जुड़े हुए हमारे जितने भी पूज्य संत जन आए हैं, इन सबका जीवन गांव गांव में रसे बसे भारत की मजबूती का आधार यही है। दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी, सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों के साथ अगर जी रही है, और उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, आज भी भारत पूरी मजबूती के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है, तो इसके पीछे गांव गांव में बसे हुए, गांव गांव में जन जागरण के अभियान के साथ जुड़े हुए हमारे पूज्य संत जन हैं, जिसको केवल अपने इष्ट की आराधना के साथ ही, जो सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के मान बिंदुओं के लिए, सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदैव तत्पर होता हुआ रहता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन ने, और इससे पहले भी जब भी आह्वान हुआ है उन आंदोलनों में उसका बढ़ चढ़कर भाग लेना, इस बात को सदैव से एक नई प्रेरणा देता रहा है। और आज यहां पर जो समारोह हो रहा है, इस समारोह इस बात को भी प्रदर्शित करता है, न जाति भेद है, न मत और पंथ का भेद ही है, सब लोग एकजुट एक मंच पर आकर के एक जगह बैठे हैं, कोई भेद नहीं है। जो लोग बोलते थे पहले क्या तो अनेक उपासना विधियां हैं, अनेक मत हैं, अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन अनेक मत और संप्रदाय सब तो एक साथ एक मंच पर बैठ करके एक साथ जुड़ करके हम इस अभियान के साथ जुड़े हैं। और यही नहीं, केवल ये हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से या पंजाब से या हिमाचल से ही पूज्य संत जन नहीं है, दक्षिण से भी है, भाग्यनगर से भी है, तो मांडिया कर्नाटक से हनुमान जी की भूमि से भी है, उत्तर से भी है, दक्षिण से भी है, पूरब से भी है, तो पश्चिम से भी है। और यही सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म की दूसरी कड़ी अपने पूर्वजों और विरासत के प्रति, अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना, कृते च प्रतिकर्तव्यम् ऐसा धर्म सनातन। अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति किस प्रकार का सम्मान का भाव होना चाहिए, गुरु परंपरा का सम्मान किस रूप में होना चाहिए, इस समारोह उसका एक उदाहरण है। जिस विश्वास के साथ यहां पर बालकनाथ जी को गद्दी सौंपी गई थी, उसी परंपरा को, उसी विश्वास को पुष्ट करते हुए उसकी मजबूती के लिए अपनी गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए उनके द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। ये पूरा मंच, ये पूरा समारोह उनके प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता है कि वह
न केवल नाथ संप्रदाय के लिए बल्कि सनातन धर्म के मूल्यों की स्थापना के लिए, और जो भी चुनौती सामने आए उस चुनौती का डटकर मुकाबला करते हुए धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते